नूनं प्रमत्तः कुर्ते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतया प्रिणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशद आसदेहः। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। कल हमने देखा तो बता रहे हैं कि दो द्वार हैं। कल गेट का एग्जाम था आप लोगों का, यहाँ भी एक द्वार की बात हो रही है। एक मुक्ति का द्वार है और एक नरक का द्वार है। इंजीनियरिंग गेट कौन सा द्वार है पता नहीं, वो आप लोग डिसाइड कीजिए। तो महाजनों की सेवा करना वो मुक्ति का द्वार है, और जो असत लोग हैं यानी कि जो अभक्त हैं और जो जिनका जीवन केवल इंद्रिय भोग के लिए बना हुआ है, उन लोगों का संग करने से नरक का द्वार खुलता है। फिर ऋषभदेव आगे बताए कि एक व्यक्ति को अपने पारिवारिक जनों संबंधियों इत्यादि से आसक्त हुए बिना केवल कर्तव्य परायणता के आधार पर जीना चाहिए। अर्थात उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं धन के अनुसार, वो आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तक संतुष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी परिवार के जन इच्छा करें उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सभी का कर्तव्य केवल धर्म के अनुसार कार्य करना है, अधर्म के अनुसार कार्य करना किसी का कर्तव्य नहीं है। फिर जो लोग का जीवन इंद्रिय भोग से ही संचालित होता है, इंद्रिय भोगी जीवन के जीवन का लक्ष्य है, उनके विषय में ऋषभ देव आगे अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, विकर्म मतलब पाप, नूनम प्रमत्तः मतलब पागल, मैड, मत्त प्रमत्त फुल्ली मैड। कौन ऐसे पागल लोग होते हैं? यत इंद्रिय प्रीतय आप्रिणोती, जो इंद्रिय प्रीति के लिए यानी कि इंद्रिय भोग को जीवन का लक्ष्य मानते हैं वो लोग पागल होते हैं। ये इंद्रिय भोग करने का ये नतीजा है कि हम लोग पागल बन जाते हैं। क्योंकि इंद्रिय भोग का मतलब क्या है? इंद्रियों का गुलाम होना। जितना अधिक जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में लिप्त है अर्थात वो अपनी इंद्रियों का गुलाम है, गोदास है, और इंद्रियों का जब हम गुलाम बनते हैं तो इंद्रिय हमको पागल बना देती हैं। क्योंकि इंद्रियां जैसे कि भागवतम में वर्णन है कि वो ऐसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हों और वो सब एक ही समय पर अलग अलग डिमांड कर रही हैं, तो आदमी पागल हो जाएगा। तो इंद्रिय भोग में जो व्यक्ति लिप्त होता है वो पागल बन जाता है, क्योंकि इंद्रियों की डिमांड्स जो हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती हैं। कामादिनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा, तो पता नहीं कितने कितने जन्मों से हम ये सब इंद्रियों की डिमांड्स को पूरा करते आ रहे हैं, लेकिन ये डिमांड्स कभी पूरी ख़त्म नहीं होती हैं इंद्रियों की, ये उसका स्वभाव है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुष्पूरेणान लेन च, ये जो इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं ये अग्नि में जैसे पेट्रोल डाला जाए उस प्रकार से वो शांत नहीं होती हैं उससे, जितना भी हम इंद्रिय भोग कर लें। तो इसलिए क्योंकि इनकी डिमांड्स बढ़ती जाती है और जो चीज़ पहले जिससे संतुष्टि मिल रही थी उससे संतुष्टि मिलनी बंद हो जाती है और आगे का इंद्रिय भोग चाहिए। आदमी पहले विवाह करता है एक पत्नी, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं है, उसका जीवन का बेसिस धर्म नहीं है, तो एक पत्नी से भी संतुष्ट नहीं होता है, फिर वैश्यवृत्ति में चला जाता है। वो किस हद तक गिर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है, जिस व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य इंद्रिय भोग है।
क्योंकि वो जो जो इंद्रिय भोग करता आता है, थोड़े थोड़े समय पे वही चीज़ उसको वहाँ से संतुष्टि मिलनी बंद हो जाती है, उसका स्वभाव है। जैसे कि एक स्पॉन्ज, उसमें पानी भरा हुआ है, आप उसको दबाएंगे तो शुरू में बहुत आसानी से पानी निकलेगा, बाद में वो लास्ट में होते 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 एक एक बूंद भी मुश्किल से निकलेगा। ऐसे ही इंद्रिय भोग का स्वभाव है, इसका शुरू में बहुत मीठा है, बाद में कड़वा है, और वो जो भी भौतिक सुख है वो धीरे धीरे मिलना कम होता रहता है, तो व्यक्ति उसके लिए और अधिक प्रयास करता है, और जितना अधिक प्रयास करता जाता है उतना ही उसको सुख कम मिलता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो इससे फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो और अधिक प्रयास करने के लिए फिर कुकर्म करता है, पाप कर्म करता है। इसलिए ये जो मार्ग है सोचना कि हम रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, ये बहुत डेंजरस मार्ग है, कर्मकांडी लोग का मार्ग, जैमिनी कर्म मीमांसक। वो सोचते हैं कि कोई भगवान नहीं है, ये सारा जगत जो है ऐसे ही चल रहा है हमेशा से, इसको कोई क्रिएटर नहीं है, कोई कभी क्रिएशन नहीं हुआ। मॉडर्न फिलॉसफी, आज के मॉडर्न साइंटिस्ट, मैनी ऑफ देम थिंक लाइक इन दिस डायरेक्शन। ये कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, लेकिन नित्य नहीं मतलब ये कोई भी चीज़, मतलब आत्मा का कोई नित्य रूप नहीं है, लेकिन इस प्रकार से एक आत्मा जैसी कोई चीज़ कॉन्शियसनेस, वो एक समय में आती है फिर ख़त्म हो जाती है फिर आती है। तो ये जो कांस्टेंट जो चेंज हो रहा है, ये फ्लो कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ये नित्य है, नित्य रूप से ऐसे बदलता रहता है, बदलता रहता है। एक आत्मा मरेगी, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, दूसरा आएगा, लेकिन वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये चेंज जो है ओवरऑल ये नित्य है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और इस तरह से वो उनका विचार है कि हम लोग अपने कर्म कर्म जो रूल्स हैं, कर्म के लॉ हैं, नियम है, उसको अच्छे से जान लेंगे, और फिर बिल्कुल अपने को इस प्रकार से रखेंगे कि हमें केवल पुण्य कर्म करेंगे, केवल विकर्म कभी नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे, जिससे कि हम इटर्नली हम एंश्योर करेंगे कि हमें सुख मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं अनिरुद्ध महाराज, वो भी इसी प्रकार से सोच रहे थे कि मैं इतना पुण्य करूंगा, पुण्य करूंगा, पाप कभी नहीं करूंगा, पुण्य करूंगा, पुण्य करूंगा, पाप कभी नहीं करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं, ये जैमिनी के इस मीमांसा को खंडन करते हैं, कि हम देखते हैं कि सभी लोग वो चाहे कितना भी पुण्य कर्म में लिप्त हों, लेकिन दुखी होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है सब कुछ सिचुएशन। जैसे आप कार चला रहे हैं, आप बहुत ध्यान से चला रहे हैं, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो सारे लोग हैं बाकी सड़क पर वो भी गलती नहीं करेंगे? करेक्ट, एक्सीडेंट आपकी वजह से नहीं, दूसरे की वजह से भी हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमने अपने हमने पुण्य कर्म किए, लेकिन सिचुएशंस हैं बहुत सारी। जैसे निर्मल महाराज, अभी उन्होंने तो क्या गलती की, ही टुक परफेक्ट केयर कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हो, लेकिन वो गाय वापस आ गई जो गाय दी थी वो वापस आ गई, व्हाट ही कुड डू, क्योंकि हम नियंत्रण करता नहीं है। तो वहाँ बताते हैं कृष्ण की ये दिखाता है, बिकॉज वी आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर, इसलिए हम वो यूनिवर्सल कोड को क्रैक नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न साइंटिस्ट की भी यही धारणा है, हम यूनिवर्सल कोड को क्रैक कर लेंगे, वी विल एग्जैक्टली नो हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, एंड देन वी विल एडजस्ट द सिचुएशन इन अ वे दैट वी कैन लिव इन दिस वर्ल्ड परफेक्टली। तो बाल स्नेह पितरौ शरणम नृसिंहा, जैसे बच्चा कोई गारंटी, बाल माता पिता गारंटी नहीं दे सकते अपने बच्चे को बचाने की, जिस प्रकार से एक डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता, यानी कि उनके हाथ में नहीं है, दे आर हेल्पलेस, दे आर नॉट द सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए ये सब मूर्खता है सोचना कि हम अपने को या किसी को बचा सकते हैं। भगवान की शरण में जाए बिना ना तो हम बच सकते हैं, और जो भी भगवान की शरण में नहीं जा रहा ना तो हम उसको बचा सकते हैं। दैट्स अ सिंपल फैक्ट। अगर हम प्रयास कर रहे हैं किसी अज्ञानी व्यक्ति को जो भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता, उसको सुख प्रदान करने का, वो हमारी मूर्खता है, वो कभी संभव नहीं होगा। तो ये जो मार्ग है रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रभुपाद बोलते हैं देर आर एक्सीडेंट्स इवन ऑन द रॉयल हाईवेज। तो ये धार्मिक लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बिल्कुल पुण्य करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो भी
परफेक्शन नहीं है, तो उनका क्या कहा जाए जिनको कोई धर्म की धारणा ही नहीं है, जिनको कोई पड़ी नहीं है पुण्य क्या पाप, वो तो उनका तो जीवन पूरा विकर्म का ही बना हुआ है। लेकिन इवन वो लोग जो बहुत धार्मिक हैं, हमारे कई स्वजन ऐसे होंगे, हम किसी झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपना अपना काम करते हैं, दे सीम वेरी गुड, लेकिन क्योंकि उनका केंद्र इंद्रिय भोग है इसलिए वो पाप कर्म में कहीं ना कहीं लिप्त होंगे ही, समहाउ दे विल फॉल डाउन समवेयर, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है इंद्रिय भोग का, वो खींचता है, उसकी आवश्यकताएं उसकी डिमांड्स बढ़ती आती हैं और बढ़ती आती हैं उसकी वजह से फिर वो पुण्य की परिधि से हम पाप परिधि में कभी भी आ सकते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति मतलब प्रजापति बनना, मतलब कितना पुण्य किया होगा जब आके प्रजापति बने होंगे, बहुत बड़ी पोस्ट है प्रजापति, देवताओं में भी बड़े ऊंची पोस्ट है प्रजापति, उससे ही ऊपर है, कितने पुण्य किए होंगे उन्होंने। लेकिन अहंकार आ गया, फिर उससे क्रोध आ गया, और शिवजी जैसे महान वैष्णव का अपराध कर दिए और उससे उनका पूरा क्या हुआ हम जानते हैं। तो इसलिए ये जो इवन रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन मार्ग है ये भी बहुत डेंजरस है। तो फिर आजकल के जो लोगों का जीवन है उसके बारे में क्या कहा जाए, जो पूरा विकर्म पे ही आधारित है, मॉडर्न सोसाइटी इज जस्ट सेंटर्ड अराउंड डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी का हॉलमार्क सिम्टम है कि पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ नहीं है, यू लिव वंस, इसलिए एन्जॉय एज मच एज यू कैन, डोंट बॉदर अबाउट स्क्रिप्चर्स, ये सब अनपढ़ लोग और पुराने और बेवकूफ़ लोगों ने कुछ लिख दिया था, सब छोड़ो, आज आधुनिकता का जमाना है और साइंस है और एन्जॉय लाइफ, तो उन्हीं के लिए ये श्लोक विशेष रूप से आज के लिए लागू हो रहा है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म, एक एक करके कुकर्म करते हैं। अभी देखिए ये चार चीज़ें हैं, महान पाप, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग। यदि इन चार चीज़ों को देखें आज संसार में तो क्या स्थिति हो रही है। इलिसिट सेक्स, व्हाट इज इलिसिट सेक्स, वैवाहिक जीवन के अंदर संतान उत्पत्ति के लिए केवल स्त्री पुरुष संग करें, उसके अलावा जो भी मैथुन है वो सब इलिसिट है। तो यानी कि वैवाहिक जीवन में भी जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, जो लोग वैवाहिक जीवन के बाहर हैं, प्रोस्टिट्यूशन तो ऑफ कोर्स आ गया युवावस्था में, और सब प्रकार के मास्टरबेशन एंड सब प्रकार की ये अननेचुरल सेक्सुअल टेंडेंसीज, होमोसेक्सुअलिटी, ऑल दिस गे, एवरीथिंग, शास्त्र के अनुसार वो सब इलिसिट सेक्स है। हालांकि हमारे आज के संविधान ने उसको लीगल बना दिया है, लेकिन शास्त्र के अनुसार वो इलीगल, इलिसिट है, पाप है। तो अगर आप एनालाइज करेंगे आज की पॉपुलेशन को, तो कितने लोग हैं जो ये इलिसिट सेक्स नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इलिसिट सेक्स का पाप, बड़ा पाप, ये चार जो बड़े महापाप हैं, कितने लोग हैं जो ये नहीं कर रहे हैं। जितने भी वैवाहिक लोग हैं, हार्ड टू फाइंड एनीवन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इलिसिट सेक्स, इवन मैरिड पीपल, फॉरगेट अबाउट दोज आर अनमैरिड, और इवन आफ्टर मैरिज दे आर गोइंग हियर एंड देयर, कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज उनकी सेक्सुअल डिजायर्स तो टीवी और उसके माध्यम से बढ़ रही हैं सब, और को एजुकेशन, और उस पर उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है, और विवाह उनका भी होता नहीं है, तो फिर दे फॉल डाउन इनटू दिस ऑल माल प्रैक्टिसेस, मास्टरबेशन स्पेशली, क्योंकि
ये जो सेक्स डिजायर है तो बहुत स्ट्रांग है, तो अगर उसको लिसिट तरीके से रेगुलेट करने का माध्यम नहीं होगा तो डेफिनेटली इलिसिट सेक्स होगा, कोई रोक नहीं सकता है उसको, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। इसलिए पोर्नोग्राफी एंड सब प्रकार की, अगर हमारा बिहेवियर लूज होगा, अगर हम लोग ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर ये सब एडवर्टीजमेंट्स हैं और लड़के लड़कियाँ सब साथ में घूमते हैं और ऐसी ऐसी ड्रेस पहनते हैं विच इज़ जस्ट मेंट टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, वो पूरी फैशन इंडस्ट्री का हेतु क्या है, गोल, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाउ टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, दैट इज देयर गोल। व्हाट इज मीन बाय फैशन? फैशन मीन्स व्हाट? हाउ टू बी अट्रैक्टिव, इज इट नॉट? अट्रैक्टिव मीन्स वॉट? अब अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्स फॉर सेक्स, दैट्स ऑल। तो सब लोग आज फैशनेबल बनना चाहते हैं, विच मीन्स आउटराइटली बिल्कुल निर्लज होकर के दे आर क्लियरली क्लेमिंग हम लोग अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो वी आर फैशनेबल। जैसे जानवर जो है बिल्कुल निर्लज होते हैं लेकिन वो फैशन डिजाइन नहीं करते, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो वही है ना, अपनी वो उसकी जो बुद्धि है उसका वो ज़्यादा दुरुपयोग करता है, सो वो उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, दे आर निर्लज हैं लेकिन दे आर जस्ट आउटराइट क्लियर, जितने भी टाइट जीन्स टी शर्ट्स, सो हम अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि माया ने ये बॉडी बनाई इसलिए क्योंकि वी वॉन्ट इट टू एन्जॉय, तो इसलिए भगवान ने ऐसे शरीर बनाया है, ऐसे हॉर्मोन्स अंदर दिए हैं केमिकल्स कि एक सुंदर युवा को सुंदर युवती सुंदर लगती है तो एक कुत्ते को भी कुतिया सुंदर लगती है, इट्स नथिंग ग्रेट, लेकिन वो हॉर्मोन्स ऐसे बनाए हैं। आज का जो आधुनिक कल्चर है वो तो इसको बिल्कुल जानवरों के स्तर पे आ गया है, आप कोई भी पार्टीज कहीं भी जाएंगे इट्स जस्ट गाने, सारे सॉन्ग सब लोग जो है ये मूवीज और गाने सुन रहे हैं, गाने के अंदर क्या है, इट्स वल्गैरिटी आउट राइट, इट्स अबाउट लव अफेयर्स, इट्स अबाउट अट्रैक्टिंग इच अदर, व्हाट इज दिस? ऐसे समाज में रह के कैसे हम ये बड़े पाप से इलिसिट सेक्स से कैसे बचेंगे, ऐसे समाज में रह करके जहाँ पर बिल्कुल इलिसिट सेक्स खुलेआम उसका बोलबाला, वो गलत नहीं माना जा रहा है आज, उसको सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया है। पहले इवन हमारे समय में भी हम जहाँ से हम छोटे सी जगह से थे शहर में नहीं थे, एक लड़का और एक लड़की जो अनजाने हैं जो संबंधित नहीं हैं भाई बहन नहीं हैं वो अगर बात करेंगे तो सब लोग बड़े आश्चर्य से देखेंगे, ये क्या है, कितनी शर्म नहीं आती इनको ऐसे बात कर, आई हैव सीन दैट टाइम माई सेल्फ। और आज ऐसे कोई बात नहीं करेगा तो उसको एबनॉर्मल समझा जाएगा। मैं जब कॉलेज में गया तो बहुत चेंज हुआ क्योंकि स्कूल लाइफ तक तो नेचुरल रेस्ट्रिक्शन था, हम लोग ऐसे बात नहीं करते थे और सब, केंद्रीय विद्यालय था, कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं था जिसमें कि ऐसे फ्रीडम थी, इट वॉज रेगुलेटेड, कॉलेज में जाते हाय हे हाय शुरू हो गया। अभी जो लोग ये हे हाय करते हैं इनको राम राम जी कहना तो कैसा लगेगा, राम राम जी, क्योंकि जब राम राम जी कहेंगे तो वो स्त्री पुरुष वो सब वो स्वाभाविक रूप से नहीं आएगा, अपोजिट है पूरा। दिस इज लाइक दैट, सो इलिसिट सेक्स, सो कॉलेज लाइफ वहाँ से ये पूरा शुरू हो जाता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है, और ऐसे आदमी बूढ़े हो जाने तक यही करते हैं, जैसे श्री प्रभुपाद ऑब्जर्व करते हैं अमेरिका के अंदर 60-60 साल के बूढ़े जो हैं वो नेकेड डांस देखने जाते हैं, पब्स में जाते हैं, और भारत में क्या हो रहा है आप देखो, जो सारे बूढ़े हैं लोग टीवी के आगे चिपके रहते हैं, और टीवी में क्या आता है, यही आता है ना,
60 साल के हो गए उनको, 50-60 साल, उनको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ये स्वभाव है इंद्रिय भोग का। अगर उसको हायर टेस्ट के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, अगर उसको हायर टेस्ट के द्वारा इसको मारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए ये जो पहला पाप कर्म है, आज इसको पाप नहीं माना जा रहा है। एडल्ट्री हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी अलाउ कर दिया है, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया है। तो अब ये पाप हमारी जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके अनुसार ये जो चारों की चारों चीजें हैं वो लगभग अभी वो पाप नहीं रह गया, इट्स लीगलाइज्ड हो गया है सब। मीट ईटिंग दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, पोल्ट्री फार्म्स। साउथ इंडिया में मैं था वहां पर, तो 6 साल के अंदर ये वो जो सड़क के किनारे में बैठ जाते हैं वो लोग, चिकन काटते हैं, सब फ्राई करते रहते हैं, सच अ हेलिश स्मेल देयर। तो हम वहाँ करमुंडरा ही रहते थे, हिल टॉप पे फार्म। तो 4-5 साल के अंदर उस एरिया के अंदर हमारी आंखों के सामने इतने सारी दुकानें बढ़ गईं, रास्ते 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 रास्ते, ऐसे पूरे साउथ इंडिया में एंड एवरीवेयर दिस इज ऑन इंक्रीज। ब्राह्मण लोग भी मांस खाने लगे हैं। कोई कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्राह्मण भी ऐसा करेंगे, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण ब्राह्मण कहाँ हैं। और इवन इंक्लूडिंग गो मांस भी भारत के लोग खाते हैं। जिस भारत में लोग गाय की पूजा करते थे उसमें भी गाय का मांस खाते हैं। तो सब टीवी में देखते हैं और फिर अब्रॉड जाते हैं, और अब्रॉड में तो गाय का मांस बहुत ही अच्छा माना जाता है खाने के लिए, तो वहाँ से सीख के आते हैं फिर। टीवी में दिखाया था अंडे खाना अच्छा है, और हमारी माता जी हमारे पे करुणा करके हमको दूध में अंडा डाल के देती हैं हमारी हेल्थ बनाने के लिए। हेल्दी हो करके नरक जाओ, पतले हो गए क्यों जा रहे हो। प्रभुपाद ऑब्जर्व करते हैं वेस्ट में वो सूप, मीट सूप बच्चों को स्टार्टिंग से वो दिया जाता है, चिकन सूप। सो इट्स ऑल बिकमिंग वेरी कॉमन इन इंडिया। अच्छी कल्चर आप देखो जहाँ भी ये आप जाएंगे, 5-स्टार होटल्स और शताब्दी एंड दिस एंड एवरी। जो ज़्यादा रिच हैं तो ज़्यादा वाइन विमेन, क्योंकि ज़्यादा रिच हैं ज़्यादा सुंदर स्त्रियाँ भी, वो सब जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री सब साथ साथ चलता है, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा सुंदरता, और वो लोग उसी प्रकार से उस इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। एयरपोर्ट्स में क्या मिलता है आपको वहाँ जाके, आप देखेंगे सारे जो वहाँ जो शॉपिंग क्लब्स होते हैं एयरपोर्ट्स में, ड्रेसेस, फैशनेबल ड्रेसेस एंड वाइन खुलेआम। अमीर लोगों का जीवन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों में लिप्त रहता है। हाँ, सो जैसे जैसे हम एडवांसमेंट कर रहे हैं, मॉडर्न एडवांसमेंट, लोग गांवों से जैसे शहर आते हैं तो ये बड़ा चेंज उनके जीवन में आता है, और जब शहर से फिर बड़े शहर और बड़े शहर से फिर अब्रॉड, तो ये ग्राफ बढ़ता जाता है फोर सिंफुल एक्टिविटीज़ का। हाँ, तो गांवों में ये सब चीज़ें कोई मतलब ही नहीं है। आजकल तो गांव गांव नहीं रह गए, आजकल तो गांव में सब टीवी और ये सब पहुंचने से पॉलिटिक्स और ये सब से वो पूरे बदतर हो गए हैं। सो डोंट थिंक दैट टुडेज विलेजेस आर रियल विलेजेस, दे आर जस्ट नाम के गांव रह गए, बाकी उनके अंदर गांव की कोई कल्चर नहीं रह गई है। इंटॉक्सिकेशन, चाय चाय सब जगह, चाय 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 कॉफी, कौन आदमी होगा जो चाय नहीं पीता है लेकिन एक समय था जब भारत में कोई चाय नहीं पीता था, ये ब्रिटिश लोगों ने इसको लेके आए चाय और कॉफ़ी, और आज हमें लगता है कि चाय कॉफ़ी के बिना ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले चाय, ओके चाय इंटॉक्सिकेशन है, नॉट द वर्स्ट थिंग बट इट इज़ ऑल्सो इंटॉक्सिकेशन। वो है वही जिन लोगों को जीवन का लक्ष्य है कुछ कोई सोचना ही नहीं है, बस जो भी मिल जाए खाना है, जो भी मिल जाए पीना है।
केवल लोग चाय और कॉफी तक ही सीमित नहीं है, बहुत से लोग हर दिन, कितने लोग ये शराब की लत में गिर रहे हैं? आपके कॉलेज में कितने लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सिगरेट्स एंड वाइन कॉलेज लाइफ में आकर के? हमारे कॉलेज में आई क्लियरली डिस्टिंक्टली रिमेंबर, फर्स्ट ईयर 5-6% बॉयज यूज टू स्मोक, फाइनल ईयर अराउंड 50-60%, 60% यूज टू स्मोक। तो ये हमारी कॉलेज का गिफ्ट है, कॉलेज लाइफ का, ये फ्री में मिलता है हमको, साथ में पैकेज है, बोनस। और शराब पीना, यस, पार्टीज, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट्स की और उनकी पार्टी बिना शराब के नहीं होती है, इट्स नॉर्म। जो डॉक्टर हैं उनका जीवन अंदर से आप देखेंगे तो इट्स थर्ड क्लास, झुग्गी झोपड़ी वाले जीवन से भी खराब जीवन है उनका। बाहर से टाई पहन के रहते हैं, सूट पहन के रहते हैं, पर अंदर से तो वही काम क्रोध है, वही तो, दे आर जस्ट यूजलेस इडियट्स, टॉकिंग अबाउट द सेम गर्ल्स एंड नर्सेज एंड हैविंग अफेयर्स विद देम, जस्ट इडियट्स, मोस्ट ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, मैनी ऑफ देम आई हैव सीन इन माई सेल्फ, माई सेल्फ माई हॉस्टल कॉलेज। गर्हित जीवन, आईएएस ऑफिसर, हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे, गो एंड सी देयर व्हाट इज देयर आईएएस। पत्नियां बदलते हैं पार्टीज के अंदर, जितने ज़्यादा हाई जाते हैं उतने ज़्यादा निम्न कोटि पे जाते हैं वो लोग, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है तो देन दे विल डांस विद ईच अदर्स वाइफ, क्योंकि नाउ वी आर मोर एडवांस्ड। और जैसे एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, संसार की एक बहुत अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति वहाँ पर पढ़े और उन्होंने बताया ऐसे कि जब आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, द फर्स्ट एड्रेस, नहीं, व्हेन यू एंटर इनटू कॉलेज देन देर इज अ फ्रेशर्स या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें उस एड्रेस में जो उनके वहाँ के टीचर थे तो उन्होंने बताया, वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न बींग इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या आपको सीखनी है, हाउ टू होल्ड योर ड्रिंक। इसका मतलब है कि शराब पीने के बाद भी यू शुड बी एबल टू एक्ट नॉर्मली, दिस इज द मीनिंग ऑफ होल्ड योर ड्रिंक। इतना आपको अभ्यास हो जाना चाहिए कि आप शराब पीने के बाद भी यू कैन, आप यू डोंट गेट डिरेल्ड, डिरेंज्ड। सो दिस इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द बेस्ट थिंग टू बी लर्न इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग मतलब इजी मनी, बिना मेहनत किए पैसा मिल जाए, दैट इज गैम्बलिंग। मोबाइल्स पे कितनी बार आते हैं ना, आपने ये जीत लिया है, आपने वो जीत लिया है, सेंड योर अकाउंट नंबर, यू हैव वन दिस, यू हैव वन दैट। सो लोग हमेशा ऐसे ही फ्री मनी के पीछे भागते हैं, बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, लॉटरी लग जाए, नंबर खुल जाए। सिमिलरली दिस शेयर मार्केट, लगाया पैसा, हमने कुछ किया नहीं, बस अपने आप बढ़ रहा है। ऑल दिस सट्टा, स्पेकुलेटिव मार्केट, ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन गैम्बलिंग। असत्य वचन। सो ये जो चार इतने बड़े पाप में कृत्य हैं, आज कितने कॉमन हो गए हैं सोसाइटी के अंदर, रैम्पेंट, एवरीबडी, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, 90, आई डोंट नो द परसेंटेज, बट इट्स बहुत स्पष्ट है कि ज़्यादातर लोग चारों के चारों, या तो तीन या तो दो या तो कम से कम एक पाप में तो लिप्त हैं ही, अबव 90% पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए आप सोचिए कि ये जो श्लोक है ये अतिशयोक्ति नहीं है कि सब नरक में जा रहे हैं स्विफ्टली,
बहुत आराम से, बहुत आसानी से, दे आर गोइंग टू हेल, नरक में जा रहे हैं। तो ऋषभ देव ये शिक्षा दे रहे हैं अपने पुत्र को कि ये मत करो। और आज के पिता क्या शिक्षण देते हैं, गर्लफ्रेंड बनाई कि नहीं बनाई कोई, पेरेंट्स आस्क, टीचर्स आस्क। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कृष्ण भावनामृत को लेता है और ये सब चार चीज़ें दूर जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स, ये क्या हो गया इसको, मूवी देखने नहीं जाता। अरे मूवी देखते नहीं तुम, क्या तुम कैसे हो गए, तुम्हें क्या हो गया, एबनॉर्मल हो गए, मूवी नहीं देखते। तो एक ये पेरेंट्स हैं और एक ऋषभ देव हैं, कैसे पिता रहे होंगे वो, कितने सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो महान भक्त हैं वही ऐसी शिक्षा दे सकते हैं ना अपने बच्चों को भी। असुर लोग, हिरण्यकशिपु जैसे लोग तो हिरण्यकशिपु जैसी शिक्षा ही देंगे। सो कह रहे, न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम् असन्नपि क्लेश द आस देह। ये सब करने से क्या होगा, देह मिलता रहेगा हमें, और ये देह तो कष्टों का ही आगार है, उसको मैं ना साधु मन्ने, आई डोंट थिंक दिस इज बिफिटिंग, ये गर्हित है देह प्राप्त करना, बार 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 देह प्राप्त करना, पुनरपि जन्म पुनर्पुन, ये क्योंकि क्लेशदा शरीर जो है वो क्लेशदा है। तो विवेक बुद्धि से देख सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, विचार करना चाहिए। लेकिन जब इंद्रिय भोग बढ़ता रहता है तो विचार शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जानवर थोड़ा विचार थोड़ा करते हैं, उनके अंदर विवेक बुद्धि नहीं होती है। बस जहाँ इंद्रिय भोग मिला, दे आर रेडी फॉर इट, दे कैन नॉट कंट्रोल, देर इज नो थिंग, नथिंग, नो नोशन लाइक कंट्रोलिंग, करेक्ट। आप देखिए बंदर है, बंदरिया है, देन वॉट इज देयर एनी कंसेप्शन कंट्रोलिंग, इट्स नथिंग लाइक दैट, देयर इज दिस कंसेप्ट इज नॉट देयर। तो आदमी भी ऐसा ही बन जाता है। एक एक स्टेटमेंट था बहुत अच्छा, बैड टाइम्स गिव राइज टू गुड पीपल, गुड पीपल गिव राइज टू गुड टाइम, एंड गुड टाइम गिव राइज टू बैड पीपल। जब बहुत परेशानी आती है, आप देखेंगे किसी घर में, हमारे पिताजी घर में बहुत समस्या थी, तो पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं हुए, बिल्कुल बहुत परेशानी थी, तो स्ट्रांग बने। फिर स्ट्रांग बनने के बाद में जब उन्होंने अच्छा किया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन जो है, पिताजी सब खूब मेहनत करके अच्छा किए कमाया, तो नेक्स्ट जनरेशन को सब कुछ पका पकाया मिला, सब बढ़िया, सब पैसा, तो वो लोग पूरा इंद्रिय भोग में लिप्त जाते हैं और सारी धन संपत्ति सब चली जाती है। कॉमन सिनेरियो है ना, चैत्र पूरा हनन हो जाता है। तो ये जितना भी इंद्रिय भोग में हम लिप्त होते हैं उससे हमारा चैत्र हनन होता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपृत चेतसाम। एक भक्ति ही ऐसा है जो अगर ऐश्वर्य उसके पास है, क्योंकि वो जानता है इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, इसलिए वो उससे भ्रष्ट नहीं होता है। लेकिन अन्यथा ऐसा है क्योंकि उसको इंद्रिय भोग में नहीं लगाता है, वो कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो हमें कोई भी हम आश्रम में हो, लेकिन ये समझना है कि ये अनरेगुलेटेड इंद्रिय भोग और रेगुलेटेड इंद्रिय भोग भी, जिसका उद्देश्य है अंततः सभी प्रकार के इंद्रिय भोग से निकल करके शुद्ध भक्त बनना नहीं हो, वो सब गर्हित है। तो ये जीवन भर हमें ये सब चीज़ें याद रखने के लिए हैं, और पूरा जीवन इस प्रकार से हमेशा के चलना चाहिए। आप यहाँ से जैसे ही निकलेंगे बाहर, कॉलेज लाइफ से बाहर, तो
सोसाइटी आपको बहुत, यही जो यहाँ पर ऋषभदेव जिनको मना कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए बहुत फोर्स करेगी, इंद्रिय भोग के लिए लिप्त होने के लिए बहुत एंकरेज और बहुत फोर्स करेगी, नॉट जस्ट एंकरेज बट दे विल फोर्स यू डू दिस डू दिस डू दिस, योर रिलेटिव्स योर वाइफ इफ यू मैरी, सब हमें इंद्रिय भोग चाहिए, हमें इंद्रिय भोग चाहिए, हमें ये सब पाप कर्म चाहिए, दे विल फोर्स। सो इसलिए उसको विदस्टैंड करने के लिए, उसको उसमें नहीं गिरने के लिए आपको बहुत खुद की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जिससे आप ये पूरे जो फोर्स है इसको आप रोक पाएंगे। तो वो फोर्स के लिए जैसे ऋषभ ने बताए हैं, साधु संघ में रहना और श्रवणम कीर्तनम करना, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब बहुत वैज्ञानिक है, इसको बिना किए अगर इसमें कोई ढील आती है तो जो भक्त उच्च स्थिति में वो भी गिर जाते हैं। इसलिए पूरे जीवन भर हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसे मोल्ड होना चाहिए कि हम लोग साधु संग में रहें, उससे ही पहले असत संग छोड़ें और श्रवणम कीर्तन के लिए पर्याप्त समय हमारे जीवन में रहे। कल हमने यही चीज़ देखी थी। फिर आगे ऋषभ देव कह रहे हैं, पराभावस्तावद अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत क्रियास्तावदिदं मनोवई कर्मात्मकम येन शरीर बंधः। एज लॉन्ग एज वन डज नॉट इंक्वायर अबाउट द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ लाइफ वन इज डिफीटेड एंड सब्जेक्टेड टू मिजरीज अराइजिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। Be it sinful or pious, karma has its resultant actions. If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka, colored with fruitive activity. As long as the mind is impure, consciousness is unclear. And as long as one is absorbed in fruitive activity, he has to accept a material body. कह रहे हैं पराभावस्तावा दबोध जाता, इट्स फेलियर, लाइफ इज डिफीटेड, पराभाव डिफीट, तावत कब तक, यावन न जिज्ञासत, जब तक हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं, जब तक हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए के रास्ते में नहीं चल रहा है तब तक वो जीवन व्यर्थ है। क्यों, यावत क्रियास तावत इदम मनोवई, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बिना का जीवन होता है उसमें जो फ्रूटिव एक्टिविटीज होती हैं, सकाम कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं, दो चीज़ होती हैं, सकाम कर्म होते हैं या विकर्म होते हैं, और सकाम कर्म हो के विकर्म हो दोनों ही कर्म बंधन बनाते हैं, शरीर बंधन मुक्त होता है उससे। यावत क्रिया, जब तक ये क्रियाएं रहेंगी तब तक मन जो है वो कर्मात्मक, मन के अंदर वो बीज रिजल्टेंट रिएक्शंस कर्म फल के बीज हमेशा उसमें जाते रहेंगे और मन जो है वो उस प्रकार से हमेशा कलर्ड कर्मात्मकम कर्मों के कर्म फल से पूरा रंगीन हो जाएगा, रंगा रहेगा, और जब तक वो रंगा रहेगा यानी कि जब तक सूक्ष्म चेतना में सूक्ष्म में शरीर में ये कर्म फल रहते हैं तब तक उसके कारण हमें एक एक शरीर मिलता रहेगा। कोई पेड़ है, पकने से पहले वो फिर फल और उसके बाद फिर बीज गिरते हैं, उससे एक और पेड़ निकलता है, फिर वो नेक्स्ट बीज बनता है, फिर एक और, ऐसे श्रृंखला चलती रहती है, है ना। तो जब तक जो बीज गिरे उनको यदि या तो बीज बनने से पहले ही उसको पौधे को काट दिया जाए या जो बीज है उसको जला दिया जाए, है ना, तभी संभव है कि उससे दोबारा एक और पेड़ नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से भक्ति से हमें ये जितने भी कर्माशयम जितने भी कर्म के बीज हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान, ये भक्ति से ही कर्म के सारे बीज दहती विनष्ट होते हैं। तो ये मनुष्य जीवन का की सफलता है, सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आजकल की विचारधारा से बिल्कुल अलग है, आजकल की सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज बिकम एडवांस्ड इन इलिसिट सेक्स मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन एंड गैम्बलिंग, दैट इज टुडेज डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन भागवतम में बताया है सक्सेसफुल लाइफ है आत्म तत्व को जानना। Generally, people think that one should act very piously in order to be relieved from misery, but this is not a fact. Even though one engages in pious activities and speculation, he is nonetheless defeated. His only aim should be emancipation from the clutches of Maya and all material activities. Speculative knowledge and pious activity do not solve the problems of material life.
कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों ही व्यर्थ हैं। कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, बोथ आर पॉइजन, क्योंकि उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। वन शुड बी इंक्विजिटिव टू अंडरस्टैंड हिज स्पिरिचुअल पोजिशन एज स्टेटेड इन भगवद गीता 437। यथा धामसी समिद्धोग्निर् भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा ज्ञान अग्नि जो भगवत भक्ति का ज्ञान है उससे सर्व कर्माणि भस्मसात, फिनिश्ड, बर्नड अप। अनलेस वन अंडरस्टैंड द सेल्फ एंड इट्स एक्टिविटीज वन हैज टू बी कंसिडर्ड इन मेटीरियल बॉन्डेज। श्रीमद् भागवतम 10-32 इट इज ऑल्सो सेड, यन्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तयस्त भावात अविशुद्ध बुद्धयः। ए पर्सन हु डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस में थिंक हिमसेल्फ लिबरेटेड, बट एक्चुअली ही इज नॉट। आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतंत्यद पतंत्यदो अनादृत युष्मद अंग्रयः। सच पीपल में अप्रोच द इम्पर्सन ब्रह्मन एफ्यूजन्स, बट दे फॉल डाउन अगेन इन टू मेटल एन्जॉयमेंट बिकॉज दे हैव नो नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। एज लॉन्ग एज वन इज इंटरेस्टेड इन कर्म एंड ज्ञाना ही कंटिन्यूज एंड ड्यूरिंग द मिजरीज ऑफ मेटल लाइफ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। कर्मी सर्टेनली टेक ऑन वन बॉडी आफ्टर अनदर, एज फार एज ज्ञानीज आर कंसर्न, अनलेस दे आर प्रमोटेड टू द टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग दे मस्ट रिटर्न टू द मेटल वर्ल्ड, एज एक्सप्लेन इन भगवदगीता 7:19, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। द पॉइंट इज टू नो कृष्ण वासुदेव एज एवरीथिंग एंड सरेंडर टू हिम। कर्मीज डू नॉट नो दिस, बट अ डिवोटी हु इज 100% एंगेज इन डिवोशन सर्विस द लॉर्ड नोज फुली वॉट इज कर्म एंड ज्ञाना, देयरफॉर अ प्योर डिवोटी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन कर्म और ज्ञाना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, द रियल भक्ति इज अनटच्ड बाय एनी टिंज ऑफ कर्म एंड ज्ञाना, हिज ओनली पर्पज इन लाइफ इज टू सर्व द लॉर्ड। हरे कृष्ण, एनी क्वेश्चन? One question is that even though we desire to give up sinful life, still our parents don't permit that. What should we do then? Like meeting. Give up parents. Meeting. If the parents don't allow you to give up sinful life, then give up parents. What can you do? What are such parents who force you to perform sinful activities? अगर पेरेंट्स सिंफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं तो मृत्यु के समय में पेरेंट्स रोकेंगे यमराज को कि हमने बोला था इसको सिंफुल एक्टिविटी करने के लिए, इसका कोई कसूर नहीं है? विल दे कम एट दैट टाइम टू हेल्प अस? वी विल हैव टू सफर व्हाट वी डू। अब वहाँ पर हम बोले कि भाई हमने क्या किया, हमने अपने अपने कर्तव्य का पालन किया, माता पिता की आज्ञा का पालन किया, तो यमराज बोलेगा बेवकूफ़ ये तो तेरा कर्तव्य था है? ऐसी आज्ञा का पालन करना जो पापपूर्ण है। सो एट एनी कॉस्ट वी शुड नॉट इंडल्ज इन सिंफुल एक्टिविटी। कम से कम जैसे चार चीज़ें हैं, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग। सो अगर ऐसे माता पिता हमारे हैं या स्वजन हैं तो वाई वी शुड फॉलो देम? तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है। इवन मनुष्य समाज में ह्यूमन राइट्स, हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से कोई फोर्स नहीं कर सकता है। तो यदि आप समझ रहे हैं कि ये पाप हैं और आपके माता पिता या स्वजन नहीं समझ रहे हैं, तो आपको कोई विवशता नहीं है उनको आप फॉलो करें। ना तो कानून के अनुसार है, ना शास्त्र के अनुसार है इस प्रकार से उस धर्म को पालन करना। Anything else? Okay. जैसे कपड़े का व्यापार है या बैंक है, तो लोग जनरली सोचते हैं इसमें कम पाप है तो ये हम करके पाप से बचे रहेंगे, तो कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन ढूंढते हैं इसमें पाप कम से कम हो, तो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन है जो आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज में जो पाप से बिल्कुल अनटच्ड हो? ऐसा तो आजकल के समय में बड़ा मुश्किल है बहुत। क्योंकि आधार उसका पाप में है ना, इसलिए 100% तो मुश्किल है। लेकिन यस स्टिल देर आर ऑक्यूपेशन विच आर यू कैन से रिलेटिवली
ग्रॉस लेवल पे कम से कम सिंफुल नहीं है। तो इस तरह से यस, कुछ इस प्रकार की चीज़ों का व्यापार करना, कुछ ग्रॉसरी आइटम, लेकिन वो पूरी तरह से पाप से मुक्त होना तो गारंटी देना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम किसी कारण से उस समाज में रहने के लिए विवश हैं और कोई विकल्प नहीं है, और जितना हमसे संभव है उतना ऐसी चीज़ करें जो कि संभवतः पाप से दूर हैं, तो फिर और भक्ति करें, प्रार्थना करें भगवान दोबारा ऐसा जगत में नहीं आना जहाँ विवश होना पड़े पाप करने के लिए। ऐसे अगर गंभीर हम हैं तो फिर कृष्णा में काइंडली टेक कंसिडरेशन ऑफ दैट कि विवशता के कारण ऐसा करना पड़ रहा है इसको, सो देन कृष्णा में नॉट में प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिंपल रिएक्शंस। अगर हमारा जीवन इस प्रकार समर्पित है और हम केवल विवशता के कारण ऐसा कर रहे हैं तो, लेकिन हमें हमेशा प्रयास तो करना ही चाहिए कि जितना हो सके ये ऐसे कार्यों से हम बचें। ऑनेस्टली अपना पैसा कमाना चाहिए, ऑनेस्ट मीन्स आसुरी, वो 16 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो आसुरी लोग हैं वो इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि दे में भविष्यन्ति पुनर्धनम, ऐसे ही सोचते हैं। और चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपाशिता कामोपभोग परमा एतावद निश्चिता आशा पाश शतय बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थान अन्यायन अर्थ संचयान। अन्याय से अर्थ का संचय करते हैं तो वी शुड ट्राई टू एस्केप, लेकिन 100% तो आज पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। बट अगर विवशता से ही केवल हम कर रहे हैं तो देन इट विल बी कंसिडर्ड। और कुछ? ओके। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।